Welcome back to our channel again, Cyberbug, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो इसके पहले वाले सेशन में हमने SQL इंजेक्शन देख लिया था, फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के हमने सारे पार्ट्स देख लिए थे, ओके, रिफ्लेक्टेड, स्टोर एंड डॉम बेस्ड. अब देखेंगे कमांड एग्जीक्यूशन. ओके, अब कमांड एग्जीक्यूशन यानी वल्नरेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे अटैकर ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड रन करके इंफॉर्मेशन को गैदर करता है. ठीक है, जैसे कि यू कैन से कि किसी का जो वेब सर्वर्स है उसके पासवर्ड्स हो गए, तर उसके कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, ठीक है, या फिर कुछ सेंसिटिव फाइल्स हो गई, तो वो सारे के सारे को गैदर कर सकता है. ठीक है, और कोई भी मैलिशियस ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, सिंपल. ओके, आप देखो, मैनी वेबसाइट मेक अ यूज ऑफ कमांड लाइन कॉल्स टू रीड द फाइल्स, सेंड ईमेल्स एंड परफॉर्म अदर नेटिव ऑपरेशंस. तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कमांड लाइन को कॉल करते हैं ताकि फाइल को रीड करें, ईमेल को सेंड करें या फिर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करें. तो वहां पे आपको कमांड जो है वो पुट करना है. ठीक है, ऐसे नॉर्मल वेबसाइट्स पे करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जहां पे कमांड कॉल होते हैं वहीं पे ही ये अटैक सक्सेसफुली परफॉर्म होने के चांसेस है. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप NS को लुकअप कर सकते हो, यानी DNS लुकअप आप कर सकते हो. जैसे कि अगर मैं पे कमांड चलाता हूँ NS लुकअप, ठीक है, तो ये कमांड एक लेजिमेट कमांड है. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है. ओके, अगर मैंने NS लुकअप चलाया तो यहाँ पे ये मेरा कोड है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरा कोड है जहाँ पे मैं डोमेन गेट डोमेन और NS लुकअप यहाँ पे मैंने पुट किया सिस्टम के लिए. ठीक है, तो मैच मेरा जो वेरिएबल है कमांड का, ठीक है, वो सैनिटाइज नहीं है. ठीक है, वो सैनिटाइज नहीं है, वो सैनिटाइज होना चाहिए. अब मैं यहाँ पे जैसे कि google.com भी पुट करता हूँ तो वो इजीली मुझे पिंग कर देगा. ठीक है, यहाँ पे मतलब google.com के लिए मुझे जो भी नेम सर्वर्स है वो मुझे यहाँ पे निकाल करके दे देगा इजीली. यानी मैं इसके अंदर कमांड मेरा पुट कर सकता हूँ. ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे मैं NS लुकअप कर सकता हूँ, इतना आप समझ रहे हो. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कमांड पुट करके इजीली जो है वो फाइल के एक्सेस ले सकता हूँ. तो मैंने अब google.com किया तो मुझे इसने नेम सर्वर्स निकाल करके दे दिए. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे अटैकर क्या कर रहा है, google.com and e को हैक, ये लिख दिया तो ये हैक जो है वो प्रिंट हो गया. अब ये हैक्ड प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसने प्रिंट किया यानी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं लगा है. अब अटैकर यहाँ पे क्या करेगा, एक ऐसी मैलिशियस डायरेक्टरी पुट करेगा जिससे किसी भी पासवर्ड को गेन किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कैट कमांड /etc/passwd. तो मुझे passwd का डायरेक्टरी एक्सेस चाहिए. अगर मुझे इसका एक्सेस मिल गया यानी अटैकर इजीली जो है वो मैलिशियस अटेम्प्ट कर सकता है. ये देखो, मिल गया. ठीक है, यानी यहाँ पे ये एक ऐसा टूल है जो OS कमांड चलाता जरूर है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं हुई. ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रोटेक्शन है, जैसे कि ट्राई टू अवॉइड कमांड लाइन कॉल ऑल टुगेदर. सो अवॉइड करो जितना हो सके कमांड लाइन कॉल को. ठीक है, देन स्केपिंग इनपुट्स करेक्टली लाइक कॉलन एंड डैश, ये सारे स्केपिंग इनपुट्स को रेस्ट्रिक्ट करना है. रेस्ट्रिक्ट द परमिटेड कमांड. ठीक है, जो भी कमांड है उसको आप परमिशन दो ही ना, जैसे कि पिंग कमांड हो गया, देन अपना कैट कमांड हो गया, उसको परमिशन देने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, देन परफॉर्म थ्रू कोड रिव्यूज. हाँ, कोड रिव्यूज आप एक बार चेक कर लो कि कोड में क्या क्या इशू है, क्या क्या वल्नरेबिलिटी है. और रेस्ट्रिक्ट द परमिशंस. ठीक है, परमिशंस आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, जैसे कि अगर कोई आपकी डायरेक्टरी चेक कर रहा है या फिर अगर उसका यू कैन से कि chmod कमांड करके उसकी परमिशन चेंज कर दे रहा है. ठीक है, तो हमेशा आपको परमिशन को रेस्ट्रिक्ट करना है अगर अटैकर कोई भी इलीगल डायरेक्टरी अगर यूज करता है तो. ठीक है, और ये कैसे करना है, सिंपल चैट जीपीटी जाओ, जैसे कि मैं लिखता हूँ रन द रेस्ट्रिक्टेड परमिशन इन PHP. ये देखो, सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप मुझे देखने को मिल जाता है. ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी का यूज करूं जैसे कि स्केप इनपुट्स करेक्टली, तो मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूं और यहां पे मैं लिख लेता हूं इन PHP. ये देखो, मिल गया कोड.
तो हर एक चीज का आपको चैट जीपीटी पे कोड मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ के भी निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा का सारा मिटिगेशन होना जरूरी है। इसलिए तो ये एक्चुअली ये जो हैक्स प्लानिंग है ना, इसके अंदर OS टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। और ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए भी है और सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबर बग साइबर सिक्योर, मिलते हैं अगले वल्नरेबिलिटी पे।